नारनौल से 15 किलोमीटर दूर अटेली थाने के अंतर्गत एक गांव खोट, जहां चैनो अमन से रहते थे लोग, लेकिन दिल दहला देने वाली एक घटना ने पूरे गांव वालों में बढ़ा दी दूरी। ये तस्वीर है दीपक की, जिसका गुनाह बस इतना सा था कि उसने प्रेम कर लिया, और प्रेम किया तो बड़ी शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपनी प्रेमिका के साथ विवाह भी कर लिया। और यही बात लड़की के भाई को नागवार गुजरी, जिसके बाद लड़की के भाई ने अपनी झूठी शान की खातिर अपने ही जीजा को उतार दिया मौत के घाट। अब तफसील से जरा पूरा वाकया भी समझ लें। दरअसल प्रेम विवाह करने वाले जोड़े एक ही गांव के रहने वाले थे और दोनों ने 27 मार्च को ही प्रेम विवाह किया था। मृतक दीपक के पिता का कहना है कि 28 मार्च को ही उसके बेटे को लड़की के परिजनों ने अपहरण कर लिया और बाद में बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हत्या भी ऐसी कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सुनिए, घटना ये थी कि लड़के ने 27 तारीख को शादी की थी, कोर्ट मैरिज, और उसके बाद 28 तारीख को 5:30 बजे करीब उसको किडनैप कर लिया और उसको जाके हत्या कर दी। आँख फोड़ दी उसकी, सर में रोड से मार दिया, कान काट दिया और उसके पेट में पीछे से मतलब रोड डाली गई। तो क्या डेड बॉडी मिल गई आपको? डेड बॉडी नहीं मिली है अभी तक और ना ही पुलिस ने कार्रवाई की कोई। मृतक दीपक के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस कर्मचारियों ने अपहरण की उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की और आखिरकार झूठी शान के खातिर दीपक की हत्या कर दी गई। फिर मेरे भाई को रेवाड़ी ले गए, वहां से उसके दोस्त को घर से उठाया और दोनों को मारा कूटा नीचे उतार के, और फिर निमराणा टोल के पास ले जाके उसके दोस्त विवेक को उतार दिया और मेरे भाई को भानगढ़ के जंगलों की तरफ ले गए, वहां पे उसकी डेथ कर दी उन्होंने 28 तारीख को। वहीं मृतक दीपक चौहान की बहन का कहना है कि जब तक पुलिस विभाग में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वे मृतक दीपक का शव नहीं लेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर आत्महत्या कर लेंगे। मुझे गिरफ्तारी चाहिए सबकी, जिन्होंने मेरे भाई की किडनैपिंग करी, मर्डर किया है, इतनी बर्बरता से उसको मारा है। अगर सस्पेंड नहीं हुए दोनों, अश्विनी और कुलदीप, तो हम जंतर मंतर पे जाएंगे, डेड बॉडी लेके पेट्रोल छिड़कूंगी मैं खुद के और आग लगा के मर जाऊंगी। इस पूरे मामले में जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण का कहना है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, ये पीएस अटेली में हमारा खोड़ गांव है, वहाँ पे हमें 27 तारीख को एक कंप्लेंट प्राप्त होती है कि अन्नू नाम की लड़की जो कि 20 वर्षीय थी वो लापता है। इस संदर्भ में मुकदमा नंबर 72 दर्ज होता है 346 में 27 तारीख को, जबकि लड़की घर से 25 तारीख को गई थी। 27 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है, 28 तारीख को हमें ये पता लगता है कि लड़की दीपक नाम का एक लड़का है जो उसी गांव से बिलोंग करता है, कि दीपक ने और अनु ने शादी कर ली झज्जर में आरएस माच में। अब हम लड़के का पोस्टमार्टम वही राजस्थान पुलिस कर रही है, उसके बाद हम पोस्टमार्टम के बाद बॉडी लेंगे। इस मुकदमे में संजय जो अनु का भाई है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया, उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड में लिया है। उसके फर्द इंसाफ में जो भी व्यक्ति सामने आएंगे उनकी गिरफ्तारी के हम प्रयास कर रहे हैं और जल्द। ऐसे में यकीन नहीं होता, आज के जमाने में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। झूठी शान और शौकत के लिए आखिर कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है?